be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning lost. ये मुंबई का मंत्रालय हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है और ये पूरा मरीन ड्राइव के आसपास का खूबसूरत और मनोहर दृश्य है। हम अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाते हुए ताकि आप भी मुंबई शहर को देख लें दोस्तों अच्छे से कि कौन कौन सी जगह मरीन ड्राइव पर है। और ये डबल डेकर के बगैर तो मुंबई शहर अधूरा ही लगता है दोस्तों। वाकई ही मुंबई में अगर डबल डेकर ना हो और ऐसी गगन चूमती इमारतें ना हो तो मुंबई तो मुंबई, इसीलिए तो मुंबई जाना जाता है दोस्तों। पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, मुंबई कहा जाता है दोस्तों। पूरा मरीन ड्राइव के आसपास का खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आपको दिखाते हुए हम आपको लेकर आ चुके हैं ये एयर इंडिया की बिल्डिंग के करीब। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह मरीन ड्राइव हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों, ताकि आपको पता तो चले कि यहाँ पर कौन कौन से ऑफिसेज हैं। और पूरा बारीकी से आज हम आपको घुमाने वाले हैं दोस्तों ये मरीन ड्राइव। और हवा तो इतनी तेज चल रही कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है और मुंबई का मानसून अपने आप में बहुत ही फेमस है। समुद्र की लहरें देखिए यहाँ पर, लोग फिर भी बारिश के समय में तो बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पर। ये लहरें टकराती है पत्थरों से और उनके ऊपर आती है, जब बारिश शुरू हो जाती है। मुंबई की बारिश भी अजब गजब है, 10 मिनट बारिश आती है, 5 मिनट रुक जाती है, फिर 10 मिनट आती है, इस तरीके से ये सिलसिला 4 महीने तक चलता ही रहता है दोस्तों। और जब हाई टाइड होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और ये समुद्र की लहरों को हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से दोस्तों ये आती है और बड़ा ही आनंद देकर जाती है लोगों को जो बैठे रहते हैं, और बौछारें आती है और बहुत ही मज़ा आ जाता है। वाकई दिन भर आप यहाँ पर आकर आप स्पेंड कर सकते हैं। मुंबई की मेन जगह आप इस जगह को कह सकते हैं दोस्तों, मुंबई मरीन ड्राइव। ये 3.5 किलोमीटर लंबा है और यहाँ की खूबसूरती तो आप सभी लोग जानते हैं। और जैसे ही रात होती है उसके दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि महारानी ने नेकलेस पहन लिया है। और एक एक जगह को बहुत ही बारीकी से हम आपको दिखाने वाले हैं, कौन से होटल है यहाँ पर। और पहले यहाँ की खूबसूरती देख लीजिए। और ये एयर इंडिया की बिल्डिंग दोस्तों, टाटा साहब ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है और वापस से एयर इंडिया दोस्तों हमारे देश की शान बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। हालांकि बढ़ चुकी है क्योंकि टाटा साहब के अंडर में आ चुकी है। और ये ट्रेडेंट होटल यहाँ की शान दोस्तों। और ये यहाँ का इसका एंट्रेंस गेट है ट्रेडेंट होटल का, और बहुत ही खूबसूरत एक एक करके सभी बिल्डिंग को हम आपको आज दिखाने वाले हैं बारीकी से। तो इसके पश्चात ये साइड में ओबेराय होटल है दोस्तों, ये आप ये देख सकते हैं, ये ओबेराय होटल बिल्कुल ट्रेडेंट होटल के बिल्कुल साइड में ओबेराय होटल है। और ये पूरा का पूरा मरीन ड्राइव का खूबसूरत मनोहर दृश्य ये ओबेराय होटल का फिर से हम आपको ये दिखाते हुए। और ये यहाँ पर गेट, और ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कितने सारे पीछे भी कितने सारे होटल्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं दोस्तों यहाँ पर। और पास ही में यहाँ पर नाटकीय एकेडमी है दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरनेशनल थिएटर्स होते हैं यहीं पर प्लेज जो होते हैं यहीं पर होते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो चलिए पहले समुद्र का आनंद ले लेते हैं, उसके पश्चात आपको सारी जानकारी। इसे नरीमन पॉइंट के नाम से इस जगह को जाना जाता है दोस्तों, ये जो जगह है पूरी नरीमन पॉइंट के नाम से जानी जाती है। और ये यहाँ पर दोस्तों
मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में आपने इस जगह को देखा होगा और बहुत सारी फिल्मों में यहाँ पर शूटिंग होती है। और अभी बारिश की वजह से इसको बंद कर दिया गया है ताकि बोछारों के कारण जो तीव्र गति से दोस्तों लहरें आती है उसमें किसी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। 6 बजे तक नहीं तो ये चालू रहता है और 6 बजे के बाद में पब्लिक को हटा दिया जाता है यहाँ से। लेकिन ये मरीन ड्राइव पर तो बैठे रह सकते हो। और ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा ये स्लोप बना हुआ है ये, और सामने जो है दोस्तों ये नेवी नगर है जहाँ पर नेवी के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। अपनी फैमिली के साथ में उनको क्वार्टर दिया जाता है, इसलिए पूरा नेवी नगर। और ये यहाँ पर ये पूरा नरीमन पॉइंट दोस्तों इस जगह को कहा जाता है। यहाँ पर ये कॉर्नर में यहीं पर फिर हेरा फेरी की शूटिंग की गई थी। और मुंबई तो शूटिंग का ही शहर है, लेकिन जब भी आप फिल्म को देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ही, और मुंबई तो मुंबई ही देखने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। और ये यहाँ पर ये नाटक है, ये आप नेशनल सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट, राष्ट्रीय संगीत नाटकीय केंद्र दोस्तों, नेशनल बहुत ही प्लेस यहाँ पर होते हैं। और ये समुद्र की लहरों को देखिए दोस्तों कितनी तीव्र हो रही है और लोगों का जैसे एंटरटेनमेंट कर रही हैं कि जैसे आइए पूरा का पूरा। और ये पूरा नरीमन पॉइंट हम आपको ये दिखा रहे हैं दोस्तों, जो 26/11 का हमला हुआ था यहीं से कसाब ने एंट्री किया था दोस्तों। ये नरीमन पॉइंट इस जगह को कहा जाता है। और ये पूरा खूबसूरती देखिए आप, काले बादल हैं कहीं पर क्या, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सुबह से लोग आ जाते हैं और शाम तक रहते हैं लहरों का आनंद लेने के लिए। और मानसून के मौसम में मुंबई घूमने का अलग ही मज़ा है दोस्तों। और ये आप एक एक करके पूरी जगह को हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सूरज कभी निकलते हैं और बीच में समुद्र कैसे चमक रहा है दोस्तों सूरज की किरणों से। और ये पूरा यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। जितनी बार भी मुंबई को देखा जाए उतना कम लगता है। और ये समुद्र की लहरें बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसलिए हम आपको जितना अच्छे अच्छे शॉट्स रहते हैं उनको बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी आनंद आए और आप लोग भी मज़ा करें कि हाँ यार मुंबई तो वाकई ही मुंबई ही है। और हर इंसान की ख्वाहिश रहती है बचपने से बुढ़ापे तक, हर इंसान की ख्वाहिश रहती है कि हाँ मैं मुंबई शहर में आऊं। और ये शाम ढलने को है दोस्तों, यहाँ की लाइट जलना शुरू हो चुकी है और ये समुद्र की लहरें भी उफान पर है क्योंकि हवा बहुत ही तीव्र गति से बह रही है। और ये यहाँ पर पुलिस चौकी है, ये नरीमन पॉइंट ये यहाँ पर लास्ट हो जाता है, ये मरीन ड्राइव का ये यहाँ पर ये लास्ट है नरीमन पॉइंट। और ये रात्रि के समय में आप ये ओबेरॉय होटल को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 1 घंटे का वीडियो का लिंक डाल रखा है जिसमें घर बैठे आप पूरा फिल्म सिटी टूर, सभी फिल्म एक्टरों के घर और जितने भी मुंबई शहर में फिल्म स्टूडियोज़ हैं उन सभी का आप आनंद ले सकते हैं घर बैठे। बारिश में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर बैठे वीडियो देखिए आप पूरे मुंबई, हम आपको हर मौसम में घुमाते रहते हैं दोस्तों। और तो चलिए ये रात हो चुकी है, रात पूरी नहीं हुई मतलब शाम ढल चुकी है और यहाँ की लाइटिंग विद्युत सज्जा यहाँ पर हो चुकी है। और ये यहाँ पर ये एंट्रेंस गेट किस तरह से खूबसूरत लगता है ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी लाइटिंग हो जाती है। और ये ट्रिडेंट होटल को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप ये देख सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि अच्छे से अच्छे शॉट्स हम अपनी YouTube फैमिली को दिखाएं ताकि घर बैठे उन्हें लगे कि वाकई मुंबई इतना शानदार चांदार है, वाकई ही बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों दिन हो या रात हो।
या रात के 2 बजे भी अगर आप मुंबई शहर में आते हैं तो आपको ऐसी ही आनंद की अनुभूति होगी। रात में 2 बजे भी आप घूमेंगे तो आपको मजा आ जाएगा वाकई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए और जल्द से जल्द मुंबई में आइए। समुद्र की लहरें आपको पुकार रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।